सोसाइटियाँ हर हालत हर वक्त लॉन्च होती रहती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात अच्छे हैं तो जब पैसा आ रहा हो तो हर ऐरा गैरा बंदा जो है वो उस काम में शुरू हो जाता है एक दूसरे को देख के यार ये देखो इतना कमा गया इसने ये कुछ कर लिया हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जनाब मैं अपनी बसमल रखा अच्छा जी दूसरा सवाल नई सोसाइटियाँ लॉन्च हो रही हैं इनका क्या फ्यूचर है क्या नई सोसाइटीज़ में क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाएं इस टाइम पे जबकि एक प्रॉपर्टी का बुरा हाल है <laughs> देखें सोसाइटियाँ हर हालत हर वक्त लॉन्च होती रहती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हालात अच्छे हैं जिन जो सोसाइटियाँ लॉन्च कर रहे हैं वो इस बिज़नेस में हैं उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि वो लॉन्च करके जितना पैसा कमा सकते हैं पुश सेल को पुश करें उनकी मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोफिट थोड़े से डिक्लाइन हो जाएंगे लेकिन अब उसको वो होल्ड भी नहीं कर सकते उनकी होल्डिंग की कॉस्ट भी है तो उन्होंने हर हालत में कमीशन बढ़ा के कुछ करके लोगों को लालच दे के प्रॉपर्टी डीलरों को उन्होंने हर हालत में वो एक काम जिसका काम ही वो है उसने और क्या करना है तो आप ये मत सोचें कि जनाब सोसाइटियाँ लॉन्च हो रही हैं तो वो बड़े हालात अच्छे हैं इस वजह से लॉन्च हो रही हैं ऐसी बात नहीं है उनका काम है और वो लोगों को गलत उम्मीदें भी देते हैं और वो इतने मार्केट से पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं जितने कि कर सकते हैं बाद में क्या होगा वो एक अल्लाह जानता है कि बाद में वो डिलीवर भी करेंगे या नहीं करेंगे अच्छी सोसाइटी होगी तो शायद उसमें आपको नज़र आए कि उसमें डेवलपमेंट स्लो हो जाएगी जो काम उन्होंने चार साल में या दो साल में आपको हैंड ओवर करने का वादा किया हुआ है वो तो भूल जाएँ तो बड़ी अच्छी सोसाइटी भी होगी तो शायद दो साल की बजाय वो आपको चार साल में या पाँच साल में भी अगर हैंड ओवर कर गया तो बड़े और वो भी इस उम्मीद पर कि आगे हालात बेहतर हो जाए नहीं तो उनके पास सौ बने हैं तो और जो डेवलपमेंट जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं वो डेफिनेटली अपने स्कैडूल से बहुत पीछे हैं कि आप आपको सोचें इमरान खान के ज़माने में ये जो तो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें स्पेशल आपको दिया गया था प्रविलेज या बेनिफिट्स दिए गए थे हाई राइज बिल्डिंग के तो हाई राइज बिल्डिंग के अंदर लोगों ने अपार्टमेंट्स वगैरह का एक नया ट्रेंड आने लगा था उसके लिए बड़ी उनको फैसिलिटेट किया था अब वो ऐसे ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके फर्स कहीं अगर एक बिल्डिंग के अंदर डेढ़ सौ या दो सौ अपार्टमेंट है या दो सौ अपार्टमेंट है या डेढ़ सौ अपार्टमेंट उनमें से पचास बिके हुए हैं अब जिस कीमत पर बिके हुए हैं उस कीमत पर वो बन के बना बनेंगे भी नहीं तो वो भी आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं अभी तो जिन्होंने ज़्यादा पैसे बना ले लिए थे बना लिया था कुछ ना कुछ उससे पहले महंगाई होने से पहले वो शायद ऐसा आहिस्ता कोई नई टर्म्स पे कुछ इधर उधर करके कुछ लोगों ने तो पैसे वापस भी कर दिए तो ये इस तरह होता रहता है सो so, जो नई और इनक्रेडिबल की किस्म की सोसाइटियाँ हैं वो सब कई सालों तक डिलीवर नहीं कर पाएंगी क्योंकि जब किसी चीज़ की मशरूम ग्रोथ होती है जब किसी जगह पैसा आ रहा हो तो हर आर गैरा बंदा जो होता है वो उस काम में शुरू हो जाता है एक दूसरे को देख के यार ये देखो इतना कमा गया इसने ये कुछ कर लिया हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जनाब मैं अपनी कोई सोसाइटी लॉन्च कर दूँ तो हर एक बंदे देखें एक बंदा जिसने अपने करियर के अंदर पचास प्रोजेक्ट्स किए हैं या दस सोसाइटियाँ डेवलप की हैं अगर उसकी एक दो सोसाइटी में बुरे हालात भी आ जाएंगे उसके पास इतना बैकअप होगा या उसकी गुडविल इतनी अच्छी होगी कि वो चाहेगा कि मैं किसी तरीके से ये अपने सारी ज़िंदगी की कमाई जो गुडविल है मेरी उसको ख़राब ना करूं डिले हो जाए कुछ और हो जाए लेकिन मैं डिलीवर ज़रूर कर दूं अब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ये पहले प्रोजेक्ट थे वही बुरा ला बुरा टाइम आ गया अब आप मुझे बताएं जिस बंदे को आप जानते ही नहीं हैं जिस अदारे को आप जानते नहीं हैं और वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में सोसाइटी लॉन्च करके बैठ गए हैं और ये उनका पहला प्रोजेक्ट है गुडविल अभी उनकी है कोई नहीं तो दे डोंट हैव मच टू लूज वो जितना भी पैसा इकट्ठा करके कोई पता नहीं फ्रॉड करें या भागे या क्या करें तो इस वजह से बहुत केयरफुल रहे और आप लोग जो स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर हैं जो कमीशन एजेंट हैं खुदाया अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट अपनी गुडविल को ये जो हमारा पूरा मार्केटिंग का प्रोफेशन है ना ये बुनियादी तौर पर इसी चीज़ पे चलता है कि वो जो एजेंट्स होते हैं या जो मार्केटिंग के आप लोग रखते हैं उनकी गुडविल यानी कि उनके जो तल्लुक़ हैं वो कंपनी उनको पैसे दे के कमीशन दे के वो तल्लात जब उनसे वो अपने बना लेती है यानी कि आपको पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपकी गुडविल विल जो आप उनके उनको कस्टमर दिलवा दें तो कल को अगर वो ख़राब होता है तो गुडविल तो आपकी गई है आपके कहने पे आपने किसी अपने क्लाइंट का एक छोटी मोटी आपका बिजनेस है आपके कहने पे ये गुड विल है आपके कहने पे आप इन्वेस्टर आया और आपने कहा यार फलानी सोसाइटी में घर ले लो या प्लॉट ले लो अब वो उसने आपके कहने पे मश्रा लिया और अगर आप उसका नुकसान कर देते हैं तो बेड़ा ग्रक तो आपका होना है बदवाहें तो आपने लेनी है तल्लुकात तो आपके खराब होने हैं तो ये जो एक अजीब किस्म का हम पैसों के ऊपर एक Uh, ये कमीशन एजेंटी का काम शुरू कर देते हैं कि हमसे पैसे दिलवा के हमें कुछ भी करवा लें खुदाया इन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं बड़े प्लान होते हैं कि मेरी गुडविल है यार मेरा खानदान है मेरा मोहल्ला है भाई मैं इस इलाके का हूँ मैं इस शहर का रहने वाला हूँ आप बाइट से आए डेवलप किया मैं अपने लोगों का पैसा तो हारे में लगवा दूँ कल कल लोगों ने मुझे बुरा भला कहना तो बड़ा सोच समझ के ये बहुत जिम्मेदारी का काम है ये नहीं है कि सिर्फ जिसने आपको दस परसेंट ज़्यादा कमीशन दे दिए आप उसके प्रोजेक्ट को पुश करना शुरू कर दें जो होता है जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो दो हज़ार बीस और इक्कीस के हैं वो वाकई रियल ट्रबल में मैंने आपको बता दिया कि जिस प्राइस पर वो बुक हुए हैं वो आप हो नहीं सकते और इस वैसे भी अब इलेक्शन आ रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि नई गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी और आई एम एफ कंडीशन जोन सियाँ वो इतनी सख्त हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि जब तक अगला रिव्यू नहीं आता आठ नौ महीने तक तो कोई इमीजिएटली कोई बहुत बड़ा रेस्क्यू आपको रियल स्टेट में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आ, उसके बाद भी जब कोई चेंजेस आएगी तो बहुत उसका असर कुछ छः महीने साल के बाद ही आता है इतनी जल्दी नहीं आ जाती इसका अंदर साल डेढ़ साल तो क्या साल डेढ़ साल तक तो कोई उम्मीद अचानक ही कुछ मौजाती तौर तो पर रियल इस्टेट में होने की नज़र नहीं आती नज़र नहीं आती आगे एनी थिंग एन पर सुबह गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है लेकिन मेरा नहीं ख्याल की करेगी क्योंकि आई एम एफ़ के साथ उनके कमिटमेंट्स हैं और पाकिस्तान के पास इस वक्त काफ़ी सख्त हालात चैलेंजिंग हालात हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको मशा ये नहीं दूँगा कि आप अपनी गुडविल का बेड़ा ग्रह करें और उन सोसाइटीज़ को प्रमोट करें जो कि आपको नज़र आ रहा है कि इन हालात के अंदर बहुत मुश्किल होगा वो डिलीवर करेंगे शुक्रिया